वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है पबजी लवर्स ऑर्गेनाइज बाई हाई द गेमर्स में। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 10 PM मैच। एरेंगल में खेला जा रहा है आज का ये मैच और मैं हूँ डेविल कमेंट्री में आप सब लोगों के लिए हाजिर। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैच स्टार्ट होने में आज डीले हुआ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशूज बहुत ज़्यादा। एक्चुअली आई एम आउट ऑफ टाउन और मैं कहीं विलेज में हूँ अभी फ़िलहाल, तो वहाँ से कनेक्शन इशूज़ कभी कभी आ जाते हैं, तो एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। 2-3 मिनट जो डीले हुआ है स्टार्ट होने में आज मैच, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। फिलहाल ये मैच यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ 16 टीम्स और 54 प्लेयर्स के साथ। ऐसा नॉर्मली आज तक कभी डिले होता नहीं है, कभी 20-30 मैच में ही एक आध बार ऐसा होता है कि 2 या 3 मिनट डिले हुआ तो हुआ, वरना बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होता है। जैसा कि हमारे रेगुलर प्लेयर्स जानते ही हैं, हमारे कस्टम के जो भी रेगुलर टीम्स हैं सब जानती हैं। यहाँ पर 16 टीम्स और 54 प्लेयर्स के साथ मैच स्टार्ट होता हुआ। एरेंगल के इस मैप में ये नज़र डालेंगे टीम्स की तरफ, यहाँ पर टीम गोट देखने मिल रही है। आगे जाएंगे तो टीम वीकिल है, फैगर ऑफिशियल है, साइको है, ब्लाइंडर्स है, यहाँ पे देख सकते हैं H2C की लाइनअप है, अल्टीमेट है, नीचे स्नाइप गॉड है, असुर है, और अगर नीचे देखेंगे तो टीम फालतू मौजूद है, टीम रेज 8 मौजूद है। यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है, शॉट नंबर 3 पास में ही मौजूद है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे SOS है, फिनिक्स 2.0 शूटर्स, काफ़ी पुरानी टीमें वापस से देखने मिल रही है यहाँ पर। बहुत ही हेडली फाइट की नोटिफिकेशन यहाँ पे लेके चलूँगा और नंबर 17 की तरफ। लगातार फायरिंग सामने से, नॉक्स निकाले हुए हैं। आगे बढ़ते हुए स्लॉट नंबर 17 के प्लेयर्स, शॉट नंबर 20 के 3 प्लेयर्स वाइप हो चुके हैं यहाँ पे। फिनिक्स 2.0 अकेले यहाँ पे शेखर रह गए हैं अपनी टीम से। और इसी के साथ बेटर लग रहा है टाइम, यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिक्स 2.0 वाइप होते हुए। फिलहाल देख रहे हैं स्लॉट नंबर 15 टीम फालतू आगे बढ़ते हुए। फर्स्ट फेज ऑफ विजन चलता हुआ फिलहाल अभी। इंडिपेंडेंट व्यूंगल में आते हुए थोड़ी दूर पे देखें यहाँ से स्लॉट नंबर 18 टीम SOS आगे बढ़ते हुए स्लॉट नंबर 15 की तरफ। यहाँ पे फाइट के चांसेस कम क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मूव कर गई है टीम SOS। फेगर ऑफिशियल की तरफ आते हुए यहाँ पे स्लॉट नंबर 6 3 प्लेयर्स के साथ मौजूद आज फेगर ऑफिशियल की लाइनअप। इंडिपेंडेंट व्यू एंगल में आते हुए रेज 8 की तरफ लेके चलना चाहूँगा। रेज 8 यहाँ पे सामने टीम साइको से फाइट करते हुए, रेजेट एक प्लेयर यहाँ पे नॉक, सामने टीम साइको में भी इसका लोपी नॉक है। टीम सहयोग की तरफ देखें तो 4 5 हो चुके हैं और एक नॉक है, काफ़ी डैमेज यहाँ पे टीम साइको, काफ़ी तेज फायरिंग यहाँ पे टीम रेजेट द्वारा। रेजेट भी अपने टाइम की बहुत शानदार टीमों में से एक, जब रेगुलर कस्टमर्स होते थे तो काफ़ी बेहतरीन टीमों में से एक। I don't know.
फायरिंग तो पुश किया है, साइबरनेट को नॉक किया, तो बेहतरीन फायरिंग, काफ़ी शानदार यहाँ पर प्लेयर्स को नॉक किया और इसी के साथ फिनिश किया टीम साइको को। यहाँ पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम टीम साइको यहाँ पे फिनिश की गई टीम रेजेट द्वारा, टीम रेजेट के चारों प्लेयर्स अभी यहाँ पे अलाइव। इंडिपेंडेंट विंग एंगल से मैप की तरफ स्विच करते हुए टोटल 14 टीम्स 46 प्लेयर्स स्टिल अलाइव सर्वाइविंग ऑन द फील्ड एज यू ऑल कैन सी इन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। फर्स्ट फेज ऑफ प्ले जोन इज स्टिल गोइंग ऑन। काफ़ी अच्छा पुश किया यहाँ पे टीम रेजेट ने, एग्रेसिव खेलते हुए टीम रेजेट के प्लेयर्स। टोटल टीम किल्स 4। पे टीम ब्लाइंडर्स के पास आ चुके हैं। यहाँ फिलहाल कोई और टीम नजर नहीं आती हुई, तो फाइट के चांसेस यहाँ पे फिलहाल अभी काफी कम। और नंबर 17 आ गया, तो टीम बी किल से फाइट देते हुए टीम बी किल के प्लेयर्स को नॉक किया है लगातार फायरिंग टीम व्हीकल द्वारा भी। वाइल्ड वेपन को फिनिश किया दोनों प्लेयर्स फाइट देने की हालत में। व्हीकल ने बाका को भी फिनिश किया यहाँ पे, सामने टीम व्हीकल से भी दो ही प्लेयर्स रह गए। काफ़ी अच्छी फाइट देते हुए शॉर्ट नंबर 17 के प्लेयर्स व्हीकल देते हैं ना, यहाँ पे नॉक किया एक प्लेयर को, डिस्ट्रैक्ट किया। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी यहाँ से मूव करते हुए उनको डिस्ट्रैक्ट किया और नॉक निकाला यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से। आगे बढ़ते हुए विकिलेसन माइक्रो बॉय के भी सामने मौजूद, लगातार फायरिंग, विकिलेसन को भी नॉक किया है। विकिल एलएस आगे से आते हुए लगातार फायरिंग, काफ़ी कम एचपी, काफ़ी ज़्यादा एचपी लॉस हो चुकी है यहाँ पे विकिल एलएस की। और इसी के साथ बेटर लक नेक्स्ट टाइम टीम वी किल पूरी तरीके से फिनिश होती है स्लॉट नंबर 17 द्वारा, टीम किल्स 8 के साथ काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस। और टीम गोट की तरफ लेके जाना चाहूँगा, इसी के साथ फाइट चल रही है टीम गोट की, सामने टीम लिक्विड भी मौजूद है और टीम H2C भी मौजूद है। काफ़ी डैमेज टीम लिक्विड भी दिखाई देती है यहाँ पर, रेंडम नॉक है यहाँ पर टीम गोट से, यहाँ पर फिनिश किया, एक और लाइनअप फिनिश होती है यहाँ पर नज़र आ रही है। हेमकास यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, बाकी प्लेयर्स मौजूद। रेस बुल्फ ने फिनिक्स आर को नॉक किया, वहाँ भी लेके चलेंगे। मैं भी चाहूँगा सारी फाइट्स कवर कर पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्क्रीन एक टाइम पे एक ही जगह फोकस रह सकती है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। फिर भी हमारी कोशिश मैक्सिमम से मैक्सिमम फाइट्स को कवर करने की और फाइट्स के व्यूइंग एंगल को बेटर से बेटर रखने की, ताकि आप ईजिली अपने मिस्टेक्स को ट्रेस कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। वहाँ टीम अल्टीमेट और फ्रैग्ड ऑप्शन की फाइट चल रही है यहाँ पे लगातार फायर करते हुए स्लॉट नंबर 10 प्लेयर्स। टीम H2C में पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम H2C पे पूरी तरीके से फिनिश होती होगी। टीम विगिल, टीम H2C, टीम साइको फिनिश हो चुकी है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो स्लॉट नंबर 20, स्लॉट नंबर 19 शूटर्स और फिनिश टूडोटो भी फिनिश हो चुकी है पूरी तरीके से। टीम अल्टीमेट की तरफ लेके चलना चाहूँगा, टीम अल्टीमेट यहाँ पे एक प्लेयर नॉक है, एक किच भी काफ़ी डाउन है। बीआर रिवॉल्टर वाइप हो चुके हैं मेजर किंग और उजरा चमन यहाँ पे आगे बढ़ते हुए। तो गारस रावत नॉक, उनको फिनिश किया, सनी यू के नॉक, या फिर उजरा चमन को नॉक किया व्हीकल से रॉयल बटू आगे हो सकते हुए, लेकिन मेजर किंग ने यहाँ पे रॉयल बटू को भी नॉक कर दिया और फिनिश भी किया। काफ़ी डैमेज टीम अल्टीमेट, अकेले स्टीव हस फाइट लेने की हालत में, बाकी प्लेयर्स नॉक। लाइनअप इज ऑलमोस्ट अप टू एंड, यहाँ पर देखना है फ्रैगर ऑफिसर भी काफ़ी डैमेज है, तो बचा पाते हैं कि नहीं अपने प्लेयर को रेस्क्यू के लिए आते हुए, लेकिन पूरी तरीके से फिनिश किया यहाँ पे फ्रैगर ऑफिशियल ने टीम अल्टीमेट के लिए। आपका बटर लक नेक्स्ट टाइम टीम अल्टीमेट यहाँ पे वाइप की गई फ्रैगर ऑफिशियल द्वारा, फ्रैगर ऑफिशियल के भी एक प्लेयर वाइप होगा, एक नॉक है। टोटल 2 प्लेयर्स करंटली अलाइव, 10 टीम्स 31 प्लेयर्स आर ओनली लेफ्ट है फ्रॉम हेयर एज यू ऑल कैन सी द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। सेकंड स्क्रीन के टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं यहाँ पे 10 टीमें और 31 प्लेयर्स ही रह गए। काफ़ी अर्ली फाइट्स देखने मिली हैं, फर्स्ट फेज ही चल रहा है प्ले जोन का, ऑलमोस्ट 10 मिनट ही हुए हैं मैच को स्टार्ट हुए और यहाँ पे 6 टीमें वाइप हो चुकी हैं।
फिलहाल काफ़ी शांति और शांति भी हो गई भी क्योंकि अर्लियर फाइट्स देखने मिली हैं, तो एरिया कम डेंस है, काफ़ी लाइट हो चुका है यहाँ पर, तो मैप के एरिया के हिसाब से टीम्स कम होंगी तो जल्दी टकराएंगे नहीं, जल्दी टकराएंगे नहीं तो रेगुलर कंसिस्टेंट लगातार फाइट देखने नहीं मिलेंगी। हालांकि फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच कल का भी हुआ था, आखिरी में अर्ली फाइट देखने मिली है, तो बीच में हो सकता है थोड़ा सा मैच स्लो हो, लेकिन ये बात फिक्स है कि इंटरेस्टिंग मैच ज़रूर देखने मिलेगा। रिजल्ट हमेशा ही इंटरेस्टिंग ही होगा, आखिरी के दो जोन्स जो हैं हमेशा ही देखने लायक होते हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ यहाँ पे प्लेयर्स खेलते हुए काफ़ी नई स्ट्रेटजीज देखने मिलती हैं और काफ़ी शानदार तरीके से सारे प्लेयर्स बिल्कुल पुराने कस्टम्स के खिलाड़ी हैं सबके सब, तो काफ़ी अच्छा खेल देखने मिलता है सबके द्वारा। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं जिस कारण से हमेशा जीत नहीं पाते, उन्हीं गलती को पकड़ना और कोशिश ये करनी कि वो गलती दोबारा ना हो। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे फ्लैगर ऑफिशियल के प्लेयर्स, यहाँ पे रेजर की तरफ लेके आऊँ, RDX यहाँ पे नॉक, सामने टीम ब्लाइंडर्स लगातार फायरिंग, रॉक्स को फिनिश किया है यहाँ पे RDX को, सॉरी जी हाँ। अगर आप ऑलरेडी हमारे कस्टम्स को खेलते हैं तो वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को देख के अपनी मिस्टेक्स को ट्रेस करते हुए गेम प्ले को इम्प्रूव करते रहें, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। और अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं और हमारे कस्टम्स को खेलना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से हमारे कस्टम्स को ज्वाइन कर सकते हैं और खेल सकते हैं, तो उसके लिए आप ज्वाइन करें हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। और हमारे चैनल की कोई सी वीडियो देखोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई रहती है, इस वीडियो में भी दी हुई है, इसका नाम है पबजी लवर्स, पबजी लवर्स के नाम से हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके लिंक दी होगी, उसको ज्वाइन करें। वो ग्रुप एडमिन ओनली है तो उस पर आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको हर एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैच से रिलेटेड ज़रूर दिया जाएगा, हर एक अपडेट प्रोवाइड की जाएगी, और आप बस मैसेजेस को ध्यान से पढ़ें, केयरफुली पढ़ें, रूल्स को फॉलो करें, आप हैसल फ्री तरीके से, ट्रबल फ्री तरीके से बहुत ही आसानी से कस्टम्स खेल सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स ट्रेस कर सकते हैं वीडियोस देख के और इम्प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल अभी वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं, फिर वापस से 2-3 दिन में वापस से लाइव स्ट्रीम पे आने की कोशिश करेंगे, अभी थोड़ा कनेक्टिविटी इशूज़ है इसलिए लाइव स्ट्रीम अभी वापस से स्टार्ट नहीं किया है, काफ़ी समय से कस्टम्स बंद थे जैसा कि हमारे प्लेयर्स जानते हैं, बहुत जल्द सब कुछ पहले की तरह स्ट्रीम वापस स्टार्ट होगा। ब्लाइंडर से हमको फिनिश किया, सॉल वेनम ऊपर बढ़ते हुए टीम रेजेट की तरफ, एक एक प्लेयर दोनों टीम से वाइप हो चुके हैं, ब्लाइंडर से भी और रेजेट से भी, रोटेशन लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, सेकेंड फेज चलता हुआ प्ले जोन का, ऑलमोस्ट 13 मिनट्स हो चुके हैं मैच को, ऊपर से आगे बढ़ रहे हैं सॉल वेनम, ऊपर से फायरिंग, मीना को नॉक किया है, रेजबुल को नॉक किया, यहाँ पे इजी बीस्ट भी नॉक हो चुके हैं, सॉल वेनम अकेले फाइटिंग की हालत में, रेजबुल को वाइप किया और इसी के साथ पूरी ब्लाइंडर्स की लाइनअप वाइप होती हुई टीम रेजेट द्वारा, बटर लक नेक्स्ट टाइम ब्लाइंडर्स यहाँ पे वाइप की गई रेजेट द्वारा, रेजेट ने भी अपने दो प्लेयर्स यहाँ पे फिलहाल खो दिए, रेजबुल पूरा RDX AS वाइप हो चुके हैं, कंपोस्टर और मिस्टर चाइनीज यहाँ पे अभी अलाइव। सेकेंड फेज चलता हुआ प्ले जोन का, टीम अशोक दो प्लेयर्स के साथ खेलते हुए, दोनों प्लेयर्स फिलहाल अभी अलाइव, शॉट नंबर 15 टीम फॉल, तो चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद, शॉट नंबर 13 यहाँ पर टीम स्नाइप गॉड्स अपने दो प्लेयर्स के साथ प्रेजेंट, शॉट नंबर 17
थर्ड फेज स्टार्ट होने वाला है प्ले जोन का, सेकंड फेज ऑलमोस्ट एंड पे, थर्ड फेज लगता हुआ प्ले जोन का। टाल देख रहे हैं टीम गोट को, टीम गोट अपने चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद, टोटल टीम किल्स 3, ऑल 4 प्लेयर्स करंटली अलाइव। थर्ड फेज स्टार्ट हो चुका है प्ले जोन का, 9 टीम्स 25 प्लेयर्स रह गए हैं यहाँ से मात्र। फाइट नोटिफिकेशन टीम असुर की तरफ से, यहाँ पर असुर यस नॉक है, उसमें से असरी बबल के लिए बढ़ते हुए स्मोक किया, स्मोक किया रिवाइव करते हुए यहाँ पर। सामने से फायरिंग फेवर ऑफिशियल द्वारा, गुजन से रेट ऑफ फील्ड डैमेज काफ़ी कंसिडरेबल हो चुका है, धीरे धीरे अभी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा जैसा कि हमारे रेगुलर पबजी प्लेयर्स जानते हैं। टीम SOS की तरफ आते हुए ऑल 4 प्लेयर्स अराइव करेंटली, टीम SOS जाकि कैजो को सेरिजावा और कानी की वाई टी आगे बढ़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे रेजेट के दो प्लेयर्स मौजूद फायरिंग करते हुए, कोई खास आउटपुट नहीं फिलहाल, अभी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस फायरिंग। शॉट नंबर 4 आगे बढ़ते हुए, शॉट नंबर 17 की तरफ, शॉट नंबर 17 काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस, मात्र 2 प्लेयर्स और टीम किल्स 8, और मतलब 2 स्क्वाड वाइप कर चुके हैं यहाँ पे 2 प्लेयर्स। काफ़ी शांति SOS की तरफ मूव करते हुए, यहाँ पे प्लेयर स्प्रिंग होने वाला है फायरिंग शेरिजावा द्वारा, कोई खास आउटपुट नहीं, थोड़ी बहुत HP डैमेज करी है यहाँ पे फिलहाल। सामने शॉट नंबर 15 टीम फालतू मौजूद, ब्लू जोन आता हुआ, पास आता हुआ प्ले जोन को श्रिंक करने की तैयारी, यहाँ पे प्ले जोन श्रिंक होता हुआ, फोर्थ फेज स्टार्ट हो चुका है यहाँ से प्ले जोन का। टीम गुड इंडिपेंडेंट व्यू एंगल में आते हुए रिज पे मौजूद, काफ़ी अच्छी हाइट पे, काफ़ी अच्छी लोकेशन पकड़ी हुई है टीम गोट ने यहाँ पे, और फिलहाल सर्कल की बाउंड्री पे देखते हैं जोन फेवर होता है या नहीं। लॉट लगातार फायर करते हुए व्हीकल की तरफ,
डंडा मान भी फायर कर रहा हूँ, कोई खास आउटपुट नहीं मिलने वाला क्योंकि प्लेयर मौजूद नहीं फिलहाल। शॉट नंबर 4 के प्लेयर्स यहाँ पर आगे बढ़ते हुए रेज 8 की तरफ से फाइट की नोटिफिकेशन देखने मिली है। रेज 8 की तरफ आते हुए टीम रेज 8 फायर करते हुए एक स्क्वाड यहाँ पर फिनिश करी है अभी। शॉट नंबर 13 यहाँ पर माइक्रो बॉय ओपी को नॉक किया है, काफ़ी तेज फायरिंग किया है 11 से आते हुए, काफ़ी शानदार नॉक निकाला है। क्रम पोस्टर आगे होकर फायर करते हुए काफ़ी अच्छी फायरिंग और फिनिश किया यहाँ पे बटर लक नेक्स्ट टाइम यहाँ पे शॉट नंबर 17। दो लाइनअप यहाँ पे फिनिश होती हुई जल्दी जल्दी, 60 टीमें रह गई हैं 21 प्लेयर्स यहाँ से। असूरियस को वहाँ पे नॉक किया है, कॉस्मोस एस आगे बढ़ के फाइट लेने की कोशिश लेते हैं, नहीं देखना है लगातार प्लेयर से फायरिंग। शॉट नंबर 4 द्वारा काफ़ी डैमेज किया हुआ लगातार फायरिंग में फिलहाल यहाँ पे निकलते हुए बाइक हो चुके हैं चारों तरफ से फायरिंग। यहाँ पे काफ़ी समझ के खेलना होगा, चारों तरफ से यहाँ पे घिरा हुआ है, 60 टीमें 19 प्लेयर्स रह गए हैं यहाँ से मात्र। रिंडामान टीम गोट की तरफ से फाइटिंग जो नोटिफिकेशन यहाँ पे, यहाँ पे शॉट नंबर 15 टीम फालतू के प्लेयर को नॉक किया हुआ है। बाकी टीम फालतू नीचे मौजूद फिनिश किया, फ्रेगर ऑफिशियल भी यहीं पास में मौजूद। फिर से लेकर चल लूँगा रेज 8 की तरफ, 6 टीमें 16 प्लेयर्स रह गए हैं यहाँ से। टीम रेज 8 भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देती है, टोटल टीम किल्स हो चुके हैं 15। वहाँ तक 6 टीमें और 16 प्लेयर्स रह गए हैं यहाँ से। प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए गोली पड़ी यहाँ पे सामने से, ब्लू जोन भी आ रहा है, निकलना होगा वरना वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। बोर्ड से निकलते हुए कॉस्मोस एस को वाइप किया यहाँ पे टीम रेजेट ने, इसी के साथ बेटर लग नेक्स्ट टाइम टीम शुरू पूरी तरह से वाइप होती हुई। आगे बढ़ते हुए फ्लेगर ऑफिशियल के प्लेयर्स टैंक से आगे बढ़ते हुए फिलहाल यहाँ पटाखे फूटते हुए चारों तरफ से। जॉनी ओपी को मेजर किंग ने नॉक किया यहाँ पे आगे सामने से, उसकी तरफ से ही फायरिंग काफी तेज। डल टैंक के कवर में स्मोक भी यूज किया हुआ फ्लैग ऑफिसर ने, एक्सोटिक को नॉक किया उजरा चमन ने, ऊपर टीम है सोच दरवाई बहुत तेज गोली बाड़ी बहुत ही तेज। एक्सोटिक को फिनिश किया एस एस काइजोको ने, चारों तरफ से फायरिंग लगातार, काइजोको द्वारा लगातार यहाँ पे तेज फायरिंग, उजरा चमन नॉक है वहाँ पे, धोनी ओपी वाइप हो चुके हैं, मात्र 5 टीमें 12 प्लेयर्स यहाँ से रह गए। स्मोक है वहाँ पे शॉट नंबर 6 स्मोक में फ्रैगर लगातार फायरिंग यहाँ पे, उजरा चमन को फिनिश किया और इसी के साथ मेजर किंग के साथ ही फ्रैगर ऑफिशियल बटर लक नेक्स्ट टाइम पूरी तरह से वाइप होती हुई फाइनली टीम एस ओ एस द्वारा। चार टीमें 10 प्लेयर्स रह गए यहाँ से।
नंबर फोर से योगी एक्स आगे बढ़ते हुए। यहाँ पे टीम गोट द्वारा नॉक निकाला, एक रेजेट के प्लेयर यहाँ पे नॉक होते हुए मिस्टर चाइनीज। चार्ट दी में 10 प्लेयर रह गए मात्र। यहाँ से योगी एक्स की तरफ फायरिंग, तो सही जवाब को नॉक किया यहाँ पे काफ़ी शानदार नॉक। और बेटर लक नेक्स्ट टाइम यहाँ पे योगी एक्स के साथ शॉट नंबर फोर पोते से वाइप होती हुई टीम एसओएस द्वारा। मात्र तीन टीमें और 9 प्लेयर्स यहाँ से। जी हाँ, टीम रेजेट से 2 प्लेयर्स देख सकते हैं सामने, टीम गोट से 4 प्लेयर्स और यहाँ पे 3 प्लेयर्स टीम एसओएस से भी। 3 टीम्स 9 प्लेयर्स, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे टीम एसओएस सीरीज ओवर नॉक है। ब्लू जोन भी है, जा की भी नॉक और काफ़ी डैमेज। यहाँ पे काइजोको आगे बढ़ रहे हैं, कानी की वाइट यहाँ कवर में है, काइजोको भी नॉक, कानी की वाइट अकेले यहाँ पे फिलहाल। इजाकी शायद ब्लू जोन कवर कर जाए लेकिन नहीं, यहाँ पे फिनिश किया प्ले जोन ने। कानी की वाइट यहाँ पे अकेले रह गए फाइट लेने की हालत में टीम एसओएस से। काइजोको वहाँ पे ऑलरेडी नॉक है। तो 3 टीमें 7 प्लेयर्स देखा जाए तो एसओएस से अकेले कानी की वाइट, काइजोको को रिवाइव करना मुश्किल। काइजोको वाइप भी हो चुके हैं यहाँ पे कंपोस्टर द्वारा, कानी की वाइट ने कंपोस्टर को नॉक किया है। लगातार फायरिंग, कोई खास आउटपुट नहीं इस बार, कंपोस्टर ऑलरेडी नॉक है। टीम गोट के यहाँ से चांसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स का एडवांटेज, चारों प्लेयर्स अलाइव हैं अच्छी कंडीशन में, कानी की वाइट अकेले हैं। तो इससे रेजेट के पास भी 2 प्लेयर इसमें से एक ऑलरेडी नॉक है, देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। लगातार फायरिंग कानी के द्वारा, यहाँ पे कंपोस्टर को फिनिश किया। तो 4 vs 1 vs 1 और वो भी ख़त्म होता है यहाँ पे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, रेजेट पूरी तरीके से वाइप हो चुकी है। तो 3 vs 1 सॉरी, वाइटल बेस्टेज ही फिनिश हो चुके हैं। देखिए वाइटी की तरफ फायरिंग, टीम गोट ने यहाँ पे मुकाबला जीत लिया है काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे, जैसे कि आप सब लोगों ने देखा। फाइनली टीम गोट यहाँ पे आज विनर रही है 8 किल्स के साथ। दूसरे नंबर यानी कि रनर पे रही है टीम एसओएस 5 किल्स के साथ। और तीसरे नंबर यानी कि थर्ड प्लेस पे यहाँ पे टीम रेज 8 रही है 9-3-12 तो 14-3-17 टीम किल्स के साथ। सो वेल डन गाइस, काफ़ी शानदार गेम प्ले देखने मिला आप सब लोगों के द्वारा। अभी इस वीडियो को आप लोग अगर देख रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें अपने मिस्टेक्स को ट्रेस करने की कोशिश करें, गेम प्ले चेक करें और लगातार इंप्रूव करते रहें हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ। सो गाइस, नाउ वी आर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।